तो स्वागत है आपका हमारे इस दूसरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मिस्टर मिस मिसेस मध्य प्रदेश ब्यूटी पेजेंट की जर्नी का है। तो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं और यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, क्या क्या हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। तो होटल में हमने एंट्री कर ली है और हम लिफ्ट से अपने रूम में जा रहे हैं। तो देखो, इससे पूरे वीडियो का मकसद यही है कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। हम फाइनली अपने रूम में इंटर कर गए हैं और रूम बहुत ही शानदार था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भोपाल का प्राइड होटल है, काफ़ी महंगा है लेकिन हाँ, अच्छी सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो ये रूम है, हम दो लोग इसमें स्टे करेंगे, एक हमारा दोस्त भी आने वाला है जिसे हम मिलाएंगे आपको बहुत जल्दी। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, काफ़ी सिर्फ 10-15 मिनट आप निकालेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिलेंगी आपको, ये गारंटी है। तो फन भी है इसमें, लर्निंग भी है और खूब सारी हम लोगों की मस्ती भी है। वीडियो को देखिए आगे, अब हम आपको मिलाने वाले हैं किससे, भोपाल शहर से। तो विंडो के बाहर आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। हम लोग आई थिंक 6th या 5th फ्लोर पर थे, मुझे याद नहीं है, बट हाँ 5th या 6th फ्लोर पर थे। ये स्विमिंग पूल है और इसके साइड में हम लोगों की ट्रेनिंग चलनी है जो हम आपको भी दिखाएंगे। तो फाइनली ये हमारा रूम था जो आप सभी ने देख लिया होगा, बड़ा शानदार है। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा है। और इसके बाद अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आईने के सामने, जो हम आपको बार बार हर सेमिनार में बोलते हैं कि भाई मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी आईने के सामने। इससे खुद में एक कॉन्फिडेंट बन आता है और दूसरी चीज़ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ये मेरा दोस्त यस अम्लानी जो छिंदवाड़ा परासिया से हैं और ये फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग, इसलिए हम लोगों ने हाथ मिलाया। हम लोग कैब से एक जगह जा रहे हैं कुछ लेने के लिए और वहाँ से फिर हम लोग खाना खाते हैं। और खाना हम सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यस बड़ा सिंपल खाना खाता है, मैं भी वैसे ही हूँ। बस हम लोग रात के समय वापस आ गए हैं रूम में और बहुत शानदार होटल है ये, तो आप देख ही चुके हैं, उसका इंटीरियर ही काफ़ी अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बाहर विजिट करते हैं कि कैसा क्या नज़ारा है। ये नाइट का व्यू है वैसे, और पूरा हम आपको दिखाते हैं कि बाहर से कैसा लगता है होटल। तो अभी हम लोग स्विमिंग पूल के पास जा रहे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह उठ के हम लोगों को ट्रेनिंग पर भी जाना है। तो हम लोग सोचते हैं चलो आज शाम को थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, कल से तो प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये स्विमिंग पूल के पास का नज़ारा है और यस बड़ा जिम का एडिक्टेड है तो वो जिम में चला गया है। और हम आपको यहाँ से दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, ये है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करते हैं। देखो नॉर्मली होता क्या है, हम लोग जैसे कहीं नई जगह जाते हैं तो हम लोगों का काम ही क्या होता है, फ़ोटो क्लिक करना। क्यों? क्योंकि मेमोरी बनाते हैं। तो यहाँ पर मस्ती हो रही थी कि हम लोग एक स्लो मोशन में रील्स बना रहे थे, तो वही सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये स्लो मोशन में रील्स बनाते हैं। अब लोग मॉर्निंग का समय होता है और हम लोग ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट डे है जा रहे होते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि थोड़ा नर्वस भी था और थोड़ा एक्साइटेड भी था, दोनों फीलिंग्स एक सी थी, क्योंकि इस तरह का ब्यूटी पेजेंट पहली बार हम कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैं तो पूरा चेंज हो गया हूँ उसके बाद। वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँ इसलिए सारी चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ आपके साथ। और मैं और यस पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। तो वहाँ पर अभी बहुत कम लोग हैं, बट देखते हैं थोड़ी देर में सभी लोग आएंगे। और ये फाइनली हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, उससे पहले थोड़ा ब्रीफ किया है फरा मैम ने जो हमारी ऑर्गेनाइजर थी। बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और हम लोग काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को, और कभी मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई सपोर्ट नहीं है हम लोगों को, बहुत सारा सपोर्ट मिला। बगल में आप देख सकते हैं यश भाई भी हैं और अक्षय भैया भी हैं।
अब ये कुछ, हाँ, केक सेरेमनी है ये। हम लोग उस टाइम पर सभी लोग एक साथ आ जाते हैं और केक कटिंग होती है, यानी कि ट्रेनिंग का इस पूरे ब्यूटी पेजेंट की शुरुआत होती है। और यहाँ पर केक कटता है, सभी लोग खाते हैं मस्त। इसके बाद हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है। और एक जो ये बहुत सारे सेशन होते हैं, एक जो मुझे ये सेशन बड़ा पसंद आया था, हीलिंग वाला, काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखता हूँ मेडिटेशन के बारे में। अपने आप को हम अंदर से कैसे पता कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपने इमोशंस को कैसे। अक्सर ऐसा होता है, इसने बुलाया लेकिन प्रे आप कर जाते हो। दैट्स नॉट सच इफ यू आर कॉलिंग समबडी फॉर डिनर और लंच, यू आर द वन हु। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था हम लोगों के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं कोई सिखाता नहीं है, और यहाँ से भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। तो थैंक यू सो मच अपेक्षा मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये डाइनिंग एटिकेट हम लोगों को आने चाहिए, हर इंसान को आने चाहिए, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य था कि इस ब्यूटी पेजेंट के माध्यम से हम लोगों को ये चीज़ें भी सीखने को मिली हैं। सो आगे एक आपको दिखाएंगे रैमबॉक। हम लोगों का ये रिहर्सल टाइम है, और यहाँ पर हम लोगों की रिहर्सल हो रही है कि कल आपको कैसे रैमबॉक करना है। तो उसी तरह का एक स्टेज डिज़ाइन किया गया है, और हम लोग इस अपना रिहर्सल कर रहे हैं। और इसके बाद में फाइनल डे पर हम पहुँचेंगे, यानी कि 12 मई को। तो उसके पहले गाइज, रात के बज रहे हैं 12:30, और हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, और पूरा दिन ट्रेनिंग करते करते हो गया है। कल हमारा फिनाले भी है, तो खाना भी मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया है, अभी मैं नीचे आया था लिफ्ट से लेने के लिए। लेकिन भूख से ज़्यादा टाइटल की भूख है, यानी कि जीतते हैं तो मज़ा आ जाएगा। तो गाइज, रात के बज रहे हैं 12, और यस की शक्ल पे बज रहे हैं 13, 13 बज रहे हैं यस की शक्ल पे, और मेरी शक्ल का भी पता नहीं है भाई। सब हम लोगों को अभी खाना नसीब हुआ है, क्योंकि होटल का रेस्टोरेंट बंद हो गया था, बाहर भी गए थे तो वहाँ का भी बंद हो गया था। जैसे तैसे फिर जोमेटो से ऑर्डर किया है, तो बस खाना खा रहे हैं। और अभी अभी हमें पता चला है कि आज मदर्स डे है, सो हैप्पी मदर्स डे। सो गाइज, आज हमारा फिनाले है, और फिनाले की तैयारियां जोर तोर से चल रही हैं,
यस भाई, प्रोटीन पी रहे हैं ताकि बॉडी में एनर्जी आ जाए। देखते हैं आज क्या होता है। वैसे नींद पूरी हुई कि नहीं? नींद क्या क्वेश्चन पूछे यार आपने हुई या नहीं? ठीक है, जो भी है ठीक है भाई। ठीक है, मतलब सब लोग एक्साइटेड थे और थोड़ा सा होता है ना कि हेडेक भी बहुत था कल, बट देखते हैं आज क्या होता है। सो आप सभी को लाइव अगर देखना है तो आप जाइए रूबरू जिंदगी यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं शाम 6 बजे से। थैंक यू। तो ये फाइनली 12 मई है, 12 मई को फिनाले है। एक्साइटेड बहुत हैं, नर्वस भी हैं, बट सभी के चेहरे पर खुशी दिख रही है। सब लोग पहुँच गए हैं। हाय बोलो। हाय, हेलो। तो यस यार, अच्छा यार, वो स्टेज है जो तैयार हो रहा है जल्दी से एंड प्रोग्राम चल रहा है। भी हम लोग बैठे हुए हैं बट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, माथा बड़ा कुछ क्यूएन एंड प्रोडक्शन बहुत सारी चीजें अपने आप में कुछ कुछ कर रहे हैं। देखिए, जिंदगी में जब आपके बहुत बड़े सपने सच होते हैं तो आपके चेहरे पर वो खुशियां नजर आती हैं और ये वो वाला मोमेंट था। कितने सारे रात के हम लोग शायद 2-2:30 बजे होटल आए हैं और वो खुशियां थी। हम लोग काफ़ी टाइम तक फोटोग्राफी करते रहे, फोटो वीडियो बनाते रहे, क्यों? क्योंकि खुशी बहुत थी। तो आई थिंक हम लोगों को याद है, मैं और यश 5 बजे के बाद ही सोए थे क्योंकि जीत की अलग वो खुशी थी। और फाइनली हम भोपाल से निकल चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, पूरी जर्नी आपको कैसी लगी है? मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि समय बहुत कम था और हम लोगों को समय ही नहीं मिला है शूट करने का, तो छोटी छोटी क्लिप हमने शूट की हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन है जब हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सभी लोगों की, तो यहाँ पर भी गेट टुगेदर करने का मौका मिला, सभी लोग एक दूसरे से मिल पाए और यहाँ पर भी सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया। और मुझे लगता है कि इस पेजेंट के जितने भी पार्टिसिपेट थे, जितने भी कैंडिडेट थे, सब लोग बहुत अमेजिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, एक परिवार सा बन गया है। थैंक यू सो मच आप सभी का।